हेलो फ्रेंड्स, रे व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम खट्टी मीठी चिवड़ा नमकीन बनाएंगे और आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हो और स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए हम नमकीन बना लेते हैं। चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए मैंने कितनी सामग्री ली है और क्या क्या लेनी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने ये 100 ग्राम बादाम लिए और 100 ग्राम ही मैंने काजू लिए और 100 ग्राम मैंने किशमिश लिए और ये 100 ग्राम मैंने बड़े वाले देखिए ये साबुदाने लिए, देखिए ये मोटे हैं, और 200 ग्राम मैंने मूंगफली दाने लिए और ये 50 ग्राम मैंने देखिए इसकी स्लाइस आती है, ये आलू की स्लाइस है ये, और परमल लिए मैंने 25 या 30 ग्राम। और इसके अलावा ये मक्का के पोहे लिए मैंने, ये देखिए ये करीब करीब 300 ग्राम है, और ये 100 ग्राम मैंने मखाने लिए, और ये एक पैकेट जो हम नॉर्मल पोहा बनाते हैं वही पोहा ये, और इससे हम आधा पैकेट इसमें डाल देंगे, यानी करीब करीब 400 ग्राम या 500 ग्राम हम पोहा ले लेंगे। और इसके अलावा जैसे ये शक्कर लिए मैंने, ये देखिए ये नॉर्मल शक्कर है मोटी और दाने वाली, 200 ग्राम मैंने शक्कर ली है, इसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है। और शक्कर आप अपने टेस्ट अनुसार कम ज्यादा ले सकते हो। वैसे तो ये सभी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ उतनी ही आपको लेनी, जो चीज आपको ज्यादा पसंद है वो ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो और जो कम पसंद है वो कम ले सकते हो, और जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं उसको हटा भी सकते हो। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ये सभी लेना ही लेना। और 2 चम्मच मैंने ये देखिए छोटा 2 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया, और ये देखिए 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया, ये देखिए 1 कटोरी मैंने करी पत्ते लिए, करी पत्ते आप कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं फ्रेंड्स। ऑयल गरम हो गया फ्रेंड्स, और आप ऑयल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद ही ये सब चीजें डालें। एक बार ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो आज को आप थोड़ी कम कर दीजिएगा, और हो सकता है थोड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा हो, तो मेरे चिमनी चल रही है इस वजह से थोड़ा आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो आवाज में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने मूंगफली दाने लिए, इसको मैं कर लूंगी फ्राई के अंदर। आप ऐसे झारी के अंदर डाल करके भी कर सकते हो। ये देखिए एकदम ये सारी मूंगफली के दाने हैं जो वो फूल गई, मूंगफली दाने फूल गए, देखिए यानी ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम एक परात के अंदर डाल लेंगे, सभी को हम निकाल करके एक परात में इकट्ठा ही डालते जाएंगे। अब मैं ये बादाम ले रही हूँ, इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा आपको लगता है कि तेल कम गरम मतलब ठंडा हो गया तो आप आंच को फिर से फूल कर सकते हो। बादाम है ये देखिए, इस तरीके से ये फूट गए है देखिए, यानी इसके अंदर दरारें आ गई, इसका मतलब ये हो गई है फ्राई। अब हम इन काजुओं को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इतने ही फ्राई करे कि हल्के से ब्राउन शेड हो जाए इनपे, हल्का सा, बहुत ज्यादा इनको गोल्डन एकदम से ब्राउन नहीं करे, ज्यादा डार्क वाला। अब इन स्लाइस को भी फ्राई कर लूंगी, आलू की स्लाइस है ये। बीच बीच में आप गैस को जरूर कम कर दीजिएगा, नहीं तो जल जाएंगे। और अब मैं ये साबुदाने डाल दूंगी। साबुदाने को आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, नहीं तो अंदर से वो कच्चे ही रह जाते हैं, कड़क कड़क रह जाते हैं, तो इनको अच्छे से फ्राई करें। साबुदाने को जब आप डालो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान रखना, सावधानी से करना, क्योंकि ये बीच बीच में तेल के बहुत ही बारीक बारीक छींटे आ रहे थे, तो आप बहुत सावधानी से करें ये सब चीजें। परमल को फ्राई कर लेती हूँ, तो परमल मैं पहले इसी में रखूंगी ऊपर ही, क्योंकि ये हो सकता है हमें थोड़ा ही फ्राई करना पड़े, लेकिन ये ऊपर होंगे नहीं फ्राई, इसलिए मैंने इसी के अंदर डाल दिए। बीच बीच में आपको गैस को कम करना, नहीं तो सभी जल जाएंगे। अब मैं ये पोहे ले रही हूँ, ये देखिए, और थोड़े थोड़े ही डालने हैं आपको, सारे एक बार में नहीं डालने। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैंने 500 ग्राम पोहे लिए, लेकिन आपको इतने पोहे की जरूरत नहीं मेरे फ्रेंड्स, आप कम भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन गया। अब हम इसमें ऑयल और डाल लेते हैं, क्योंकि ऑयल कम पड़ गया, तो 300 ग्राम पोहे काफी है। और अब हम कॉर्नफ्लेक्स को भी निकाल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं तेल के अंदर। ये भी आप थोड़े थोड़े ही डालें, क्योंकि ये देखिए तेल के अंदर डालने के बाद ये फूल जाते हैं। और फ्रेंड्स अब खत्म हो गए, अब मखाने रहे ओनली, तो मखाने हम अलग कढ़ाई में फ्राई करेंगे। और इसके अंदर जैसे कि मैंने किशमिश नहीं डाली है, तो ये देखिए ये किशमिश भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। आपको किशमिश को फ्राई नहीं करना, आपको ऐसे ही डालनी उन सभी के अंदर। जैसे कि अब मखाने रह गए, तो मखाने को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और फिर मखाने डालने के बाद हम तड़का लगाएंगे। तो इस कढ़ाई को हम हटा देते हैं,
मैंने ये दूसरी कढ़ाई ले ली क्योंकि उसमें ऑयल है जो बहुत ही काला पड़ गया, तो मैंने सोचा कि हम मखाने अलग से भूनेंगे तो नई कढ़ाई ले लेते हैं इसके लिए। और थोड़ा सा आपको तेल डालना है। अगर आपको घी में फ्राई करना है तो घी में भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, थोड़े से ऐसे ही तेल डाल के थोड़े से तेल में इसे फ्राई कर लेंगे। और तेल भी गर्म हो गया, अब मैं इसमें मखाने डाल देती हूँ। इन मखानों को आपको डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल भर जाता है मखानों के अंदर, तो आपको इसी तरीके से फ्राई करना, थोड़ा सा तेल लेकर के और अलग से फ्राई करना है। मखाने अच्छे से फ्राई हो गए, अब हम मखानों को भी इसी परात में डाल लेते हैं। और ये देखिए, मैंने जैसा कि ये चाट मसाला लिया है, इतना सा छोटी 2 चम्मच चाट मसाला लिया है, और थोड़ा सा मैंने अमचूर लिया है 2 चम्मच के करीब ही, क्योंकि ये खट्टा मीठा बना रहे हैं तो ये सभी इसमें डाल देंगे हम। और 2 चम्मच नमक डाल देंगे, नमक आप टेस्ट कर सकते हो बाद में भी, थोड़ी सी नमकीन को खा करके कि हाँ ठीक रहा ये सब चीजें, तो कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो इसमें मैं जैसा कि 2 चम्मच मैंने, 2 चम्मच से थोड़ा कम मैंने इसमें नमक डाल दिया, अगर हमें लगेगा तो हम और से ऊपर से इसमें नमक भी और मिला लेंगे। और अब मैं इसी में शक्कर डाल दूंगी और इन सभी को अच्छे से मिला ले। और ये जो काजू बादाम मैंने फ्राई किए इसको ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली, आप में ये भी आप इसी में डाल दीजिए। अगर आपको ये कॉर्नफ्लेक्स बड़े लगते हैं तो आप इन्हें थोड़ा ऐसे चूरा भी कर सकते हो फोल्ड करके। ठंडे हो गए जब हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहे। अब हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो तड़के के लिए हमें क्या करना है, कढ़ाई को रखना है और उसमें थोड़ा सा तेल डालना है। तड़के के लिए हम सब्जी में डालते हैं उतना सा हम तेल डाल लेंगे और उसी में हम ये कड़ी पत्ते डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें ये कड़ी पत्ते डाल देते हैं। एक पत्ता हम डाल करके चेक करेंगे, हो गया गरम, और बंद कर दीजिए आप गैस को। इसी में आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिए ताकि इनमें अच्छा सा कलर आ जाए। इसके लिए करीब करीब मैं 1/2 चम्मच हल्दी इसमें डाल दी गरम तेल के अंदर। और आप चाहे तो थोड़ी मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ठंडा होने के बाद, थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए उसके बाद ही ये सब चीजें आप डालें, नहीं तो ये जल जाएगी, इसके अंदर मिर्ची वगैरह सब जल जाएगी। इसी में मैं ठंडा हो गया थोड़ा तेल, इसी में थोड़ी सी मैं मिर्ची डाल देती हूँ, लाल मिर्च। अब इन सब तड़के को मैं इसी के अंदर डाल दूंगी। तड़के को हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। और अगर आपको नमक वगैरह जो भी आपको कम लगे तो आप टेस्ट करके और ऊपर से ऐसे डाल सकते हो, अच्छे से मिला करके रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हैंड टू हैंड उसी समय मिलाना, अभी भी आप मिला सकते हो, अभी भी आप इसमें और डाल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि शक्कर वगैरह या नमक जो भी चाट मसाला वगैरह कम है तो आप और ऊपर से ऐसे डाल सकते हो। हल्दी डालने से इसमें अच्छा सा कलर आ गया, इसमें देखिए अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ गया। और ये आप काफी लॉन्ग टाइम तक इसे रख सकते हो, जैसे महीने भर तक तो आप आराम से इसे रख सकते हो। बाहर से लाते हैं हम नमकीन, हो सकता है उसमें कौन सा ऑयल वगैरह यूज किया, तो आप इस तरह से घर पे भी अच्छी नमकीन बना सकते हो। मेरे बच्चों को तो क्या कि बाहर से नमकीन लाते हैं उसके बजाय चाहते हैं कि घर पर ही बनाए ये नमकीन, इसीलिए मैं इतनी क्वांटिटी में बना करके रख दूंगी ताकि बच्चों को जब भी इच्छा हो कुछ खाने की तो वो खा सकें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होता है, जो बच्चे कुछ ना कुछ पड़ा हो तो खा ले, भूख लगती थोड़ी बहुत, तो जैसे हर समय रोटी खाने की इच्छा तो होती नहीं है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ बना करके रख सकते हो, जैसे मठरी वगैरह, अगर मठरी बनाना सीखना है तो मैंने मठरी का भी वीडियो बना रखा है, वो आप मेरे चैनल पर श्रेया व्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं। इस तरह से आप कई चीजें बना करके रख सकते हो। हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें मसाला कैसा रहा है, अगर कोई चीज कम है तो हम इसमें और डाल देंगे। जैसा कि मुझे थोड़ी शक्कर कम लग रही तो मैंने सारी शक्कर को मिला दी है। ये हमारी खट्टी मीठी चिवड़ा नमकीन बनकर तैयार हो गई, अब हम इसे एयर टाइट बर्नी के अंदर भर लेंगे।
अगर आपको मेरा चिवड़ा बनाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।